अब बोलेगी चिड़िया डाली डाली चारों तरफ फैलेगी हरियाली। इसी तर्ज पर बिहार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप द्वारा पूरे बिहार में अवैध तरीके से पक्षियों को कैद एवं खरीद बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश विभाग के तमाम अधिकारियों को दिया गया है। इस मुद्दे पर तेज प्रताप ने जनता से भी अपील की है कि किसी भी पशु पक्षी को कैद न किया जाए और जो लोग भी ऐसा करते हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल विभाग द्वारा राजधानी पटना सहित बिहार के तमाम जिलों में लगातार छापेमारी अभियान चला अवैध रूप से पक्षियों की खरीद बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करते हुए कैद हुए पक्षियों को बड़े पैमाने पर आजाद किया जा रहा। पटना से राज की रिपोर्ट। एक बड़ा अभियान चल रहा है बिहार में, पंछियों को मुक्त करो, कैद ना रखो। आप क्या अपील करेंगे बिहार में? हम ये सबसे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप पिंजड़े में बंद होना चाहते हैं? पिंजड़े में कोई व्यक्ति या कोई भी जीव जो है पिंजड़ा में नहीं बंद होना चाहता। वो चाहता है कि नीले आकाश के तले आदमी आज़ादी से उड़ सके, अपना आशियाना बना सके, मतलब कि एक परिवार बसा सके। तो हम लोग का जो अभियान है पर्यावरण का, सब लगातार हमने इसको देखने का काम किया और इसको हमने शुरुआत करने का काम किया और लगातार इसमें हमें बहुत ज़्यादा अभी डेडिकेट होकर के हम लोग पूरा इस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जितने भी घर में भी जो लोग पिंजड़े में जीव को रखते हैं उसको आज़ाद कर दिया जाए पूरे तरीके से। तो हमने भी यही करने का काम किया, जो तोते थे उसको हमने आज़ाद करने का काम किया और हमारा लगातार ये प्रयास है कि हम इसको पूरे तरीके से आज़ाद कर सकें, किसी को कैद करके ना रखा जाए। इसमें कानूनी जो है प्रावधान भी है सजाएं में? प्रावधान तो है ही, एक्ट्स वगैरह सब भी इस पे बने हुए हैं। तो हमारी पूरी पहल है कि इसको हम और हमारे जो डिपार्टमेंट में है जो वाइल्ड का जो एक्ट है उसमें ये प्रोविजन भी है कि आप